अब जुमा का छोड़ना कबीरा गुनाह है, याद रखिए बहुत खतरनाक जुर्म है, अल्लाह रहम करे और कई लोग इस जुर्म के अंदर आज शामिल हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं कई लोग, आप बोल सकते क्या फैसला रास्ते बंद हो जा रहे जुमा के दिन, तो मैं आपको कह सकता हूं जुमा भी सारे मुसलमान नहीं पढ़ते। दलील मेरी ये है कि जुमा तो चंद मस्जिदों में होती, सब मस्जिदों में नहीं होती ना, है ना। आपके महल्ले में अगर 10 मस्जिद है तो जुमा 3 में होती होंगी। रमजान के अंदर 10 मस्जिदें होती, 10 की 10 नहीं पूर्ती, जुमा में तो 3 ही उसमें हो रही, समझ रहे आप। तो गोया अगर पूरे लोग जुमा पढ़ते महल्ले के तो 10 मस्जिदें पूरी पूरना नहीं चाहिए, क्योंकि रमजान के इब्तदाई चंद दिनों तक तो वो 10 मस्जिदें पूरी नहीं पूर्ती। मगरिब में हाल देखिए, फजर में हाल देखिए, उबलती मस्जिदें। तो इसका मतलब जुमा भी सब नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जुमा तो 3-4 मस्जिदों में होती, सर जुमा भी नहीं पढ़ते। कितनी अफसोस की बात है और कितना खतरनाक जुर्म वो कर रहा है। सुनिए गौर से, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा का, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाए वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देंगे, फिर वो गाफिल हो जाएंगे। लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, चूंकि अगर ये जुमा छोड़ने से बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, ठीक है, और मोहर लगा देगा अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देगा। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं फिर वो जो है गाफिल हो जाएंगे। किससे गाफिल हो जाएंगे? वो दीन और इस्लाम से गाफिल हो जाएंगे। जुमा छोड़ने से बाज आ जाओ मुसलमानों। और ये रिवायत सुनो, मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू क़तादा रज़ी अल्लाह फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने बिला ज़रूरत 3 मरतबा जुमा छोड़ दिया अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता है। विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी जेन्युइन रीजन, जिसने 3 जुमा को छोड़ दिया अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगाता है। सुनिए, जिसने बिला जरूरत 3 मरतबा जुमा छोड़ दिया अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता है। हाँ, मुसाफिर से जुमा छोड़ गई कोई मसला नहीं, बीमार से जुमा छोड़ गई कोई मसला नहीं, औरतों से छूट रही कोई मसला नहीं, इसलिए कि मुस्तस्ना है। गुलाम चूंकि आखा के मातहत होता है लिहाजा वो भी मुस्तस्ना है। बच्चे चूंकि बालिग नहीं तो मुस्तस्ना, लेकिन इसके अलावा कोई आदमी बिना जरूरत जुमा को छोड़े उसकी पकड़ होंगी और अल्लाह ताला उसको गाफिल कर देंगे, उसके दिल पर मोहर लगा देगा। हमें इससे बचना चाहिए, चूंकि एक बहुत बड़ा अमल है जुमा, इसलिए इसके छोड़ने की सज़ा भी याद रखिए बहुत बड़ी है। और जुमा की क्या फजीलत मैं आपको बताऊं, इतना अफजल अमल है कि तिजारत जो हलाल अमल है वो भी छोड़ देना पड़ता अगर जुमा की अजान हो जाए। जुमा की अजान हो जाए तो तिजारत जैसा हलाल अमल भी छोड़कर आपको जुमा के लिए जाना पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल जुमा आयत नंबर 9 में फरमाया रखा या अय्युहल लजीना आमनु इजा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह फरमाता कहता है लोगो जो ईमान लाए हो, जब जुमा की नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको, दौड़ो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। जुमा की नमाज पढ़ना है, खरीदो फरोख्त बंद करना है, तो एक हलाल चीज़ को बंद करना है जुमा के लिए। तिजारत हलाल है, उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन जुमा अजान होगी जाना पड़ेगा, क्योंकि खतीब के चढ़ने से पहले और अजान के बाद फौरन खतीब चढ़ जाता है, तो अजान से पहले मौजूद रहना होगा, या कम अज़ कम अजान लेट होती तो उससे पहले जाइए, फिर अजान होंगी फिर खतीब चढ़ेगा, या अजान हो रही है तो भागिए ताकि खतीब के चढ़ने से पहले मिंबर पर या उसके बाद से पहले आप कम अज़ कम पहुँच जाए, चूँकि फरिश्ते रजिस्टर बंद करके सुनने लग जाएंगे।